जेके न्यूज टुडे देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर हम मौलाना आजाद स्टेडियम जम्मू में मौजूद है, जहां पर आज LLC T20 का तीसरा मैच है। लेकिन कहीं ना कहीं हमने आपको आज दिन में भी अपडेट दी थी कि बारिश जो है वो जमाजम जम्मू में पड़ रही है, तो कहीं मैच डिले ना हो जाए। तो इस समय हम लोग जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में मौजूद है, जहां पर आपको लाइव दृश्य दिखा रहे हैं। और आपको ये बता दे कि वेट जो है, जो पिच कहे तो वो अभी वेट है, उसकी वजह से जो है कहीं ना कहीं टॉस जो है वो अभी डिले कर दिया गया है। और ये कहा गया था कि इंस्पेक्शन जो है अभी पिच की जल्द से जल्द होगी। तो क्या कुछ निकल कर सामने आता है कि क्या आज मैच होता है या नहीं होता है, वो तो आप लोगों ने भी कमेंट्स में जरूर दिया होगा। लेकिन जिस हिसाब से अभी की सिचुएशन की बात करें तो लगता है कि शायद आज मैच हो। हाँ बिल्कुल, ओवर्स जो है वो कम हो जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मैच होने की सुविधा जो है वो इस समय यहाँ पर दिख रही है। लोगों की क्या बात करें तो लोग जो है वो काफी ज्यादा एक्साइटेड थे क्रिस गेल को देखने के लिए। तो पहले तो आपको पिच की नजर दिलाएंगे, जहां पर पिच जो है वो अभी सुखाई जा रही है और टीम जो है वहां पर अभी अपना काम जो है वो वहां पर कर रही है। टॉस डिले हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं ये आशा तो हम लोग जरूर करेंगे कि क्या पता मैच आज हो जाए। लोग बहुत ज्यादा प्यार करते हैं क्रिस गेल को, और आज काफी ज्यादा जनता जो है वो क्रिस गेल को इस पिच पे खेलते हुए देखने के लिए आई है। लेकिन जनता अगर आप पीछे देखे तो कहीं ना कहीं दो मैचेस की बात करें तो जम्मू जो है वो उमड़ा पड़ा था यहाँ पर। लेकिन हाँ, आज जो है कहीं ना कहीं जनता थोड़ी कम है और अभी आना जो है वो शुरू कर दिया है। तो इस समय जो जेके न्यूज टुडे का लाइव देख रहे हैं, अगर आप लोगों ने टिकट्स ली है तो जल्द से जल्द मौलाना आजाद स्टेडियम में आए, क्योंकि मैच जो है वो किसी भी समय शुरू हो सकता है। और हाँ, ओवर कम होंगे, लेकिन मैच शुरू होने की संभावना जो है वो की जा सकती है। कहीं ना कहीं एक बार फिर से आपकी पिच की तरफ नजर कराएंगे कि जहां पर जो है पिच को जो है वो सुखाया जा रहा है और काफी ज्यादा गीली है पिच, उसको सुखाने की कोशिश जो है वो इस समय कर रहे हैं। लेकिन इस समय आपको ग्राउंड रिपोर्ट जो है वो हमें मौलाना आजाद स्टेडियम से जो है वो दे रहे हैं कि यहाँ पर जो है मैच किसी भी समय जो है वो शुरू हो सकता है। तो जिन लोगों ने टिकट्स ले रखी है क्रिस गेल को देखने के लिए, तो वो लोग जो है वो जल्द से जल्द मौलाना आजाद स्टेडियम में आए, क्योंकि मैच होने की संभावना है। बेशक ओवर्स जो है वो थोड़े कम कर दिए जाएंगे। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा इस खबर को लेकर, और जुड़ रहेगा जेके न्यूज टुडे के साथ और स्टे ट्यून रहिएगा, क्योंकि अगली अपडेट जो है वो हम आपको जेके न्यूज टुडे के माध्यम से जरूर देंगे। वीडियो चैनलिस्ट काकाराम के साथ समीक्षा वर्मा, जेके न्यूज टुडे के लिए।